एक कनेक्शन है हमारा। जब कभी कोई मुसीबत आती है, कोई भूकंप आता है, तो आपके और हमारे घर एक साथ गिरते हैं। जब सैलाब आता है, फ्लड आती है, एक साथ हमारे घर बहते हैं। ट्रैफिक में हम सब लोग एक साथ फंसते हैं। जब पोल्यूशन बढ़ता है तो आप और हम एक साथ परेशान होते हैं। जब वक्त आता है, आपके और हमारे बच्चे एक साथ स्कूल में एडमिशन लेते हैं। उस पॉल्यूशन से बचने के लिए भी आप और हम एक साथ जद्दोजहद करते हैं, एक साथ पेड़ लगाते हैं। एक कनेक्शन है जिससे आप और हम कनेक्टेड हैं। हमारी आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, लेकिन एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों कि आप डेथ को, स्टूडेंट्स के हाथ टूटने को, आप स्टूडेंट्स के हाथ कटने को, आंख फूटने को सेलिब्रेट कर रहे हो। आइडियोलॉजी अलग है, कोई बात नहीं, आप एक अलग आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हो, हम एक अलग को, लेकिन कम से कम इतनी नफरत तो दिल में ना रखें कि आप लोग डेथ सेलिब्रेट कर रहे हो। इस हिंसा में जो 25 लोग मरे, आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हो और आप प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हो। मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि दूसरे को भी समझने की कोशिश करें। इज्जत ने आपको कितना ज्यादा गिरा दिया है, एक बार अपने गिरबान में जाके। और ये दौर आता है जब आपकी आंखों में ऐसे पर्दे छा जाते हैं कि आपको गलत गलत ही नहीं लगता। जिस वक्त हिटलर जूस पे जुल्म कर रहा था, उस वक्त क्या आप पोस्टर्स देखे, उसकी हिस्ट्री पढ़े, उस वक्त जितने भी जर्मन सिटीजन थे वो उसको सपोर्ट कर रहे थे। वो डिटेंशन सेंटर में जूस को भर भर के एक साथ लाखों लोगों को मार देता था और वो लोग उसे सपोर्ट करते थे। और जब हिस्ट्री बना ये पूरा इंसिडेंट, तो वही जर्मन उस चीज की बुराई करते हैं, उसे एक डार्क पीरियड के तौर पे सोचते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सब लोग भी इस नफरत के पर्दे को अपनी आंखों में लिए बैठे हैं कि इतने गंदे इंसिडेंट के एएमयू के बच्चे का हाथ काट दिया, किसी की आंख फोड़ दी, किसी के पैर तोड़ दिए, इसको आप इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब आप लोगों की भी आंख खुलेगी और आपको उसी तरह रियलाइज होगा जिस तरह जर्मन सिटीजन को रियलाइज हुआ कि ये एक डार्क पीरियड है, ये एक जुल्म है और हमने बड़ा गलत करा इसको सपोर्ट करके। तो कम से कम हमारे साथ मिलके जो जुल्म हो रहा है, जो यूपी में इस वक्त सिटीजन के साथ जुल्म हो रहा है, उसको कंडेम तो करें, उसको सेलिब्रेट ना करें। यही मकसद था जमियावाला बाग दिखाने का कि ये हिस्ट्री है जो रिपीट हुई है। उस वक्त भी कुछ लोगों ने जलियांवाला बाग को सपोर्ट करा था, आज आप लोग जामिया ब्रुटैलिटी को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा वक्त जरूर आएगा